आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज द ग्लास हाइड्रोमीटर रीड्स 9200 इन अ लिक्विड एट 45 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी द रीडिंग एट 15 डिग्री सेल्सियस? क्यूबिकल एक्सपेंसिविटी ऑफ द लिक्विड इज 52 × 10⁻⁵ पर केल्विन एंड दैट ऑफ ग्लास इज 2.4 × 10⁻⁵ पर केल्विन। तो देखिए ऐसा है कि ग्लास हाइड्रोमीटर जो है फर्स्ट रीडिंग इतना ले रहा है। तो ऐसा है कि एक ग्लास हाइड्रोमीटर जो होता है वो यूज होता है, ये जान लीजिए कि यूज होता है किस लिए, रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब कि डेंसिटी हम लोग मेजर करेंगे किसी भी लिक्विड का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो ये मेजर करने के लिए ग्लास हाइड्रोमीटर का यूज होता है। तो ऐसा है कि इसमें मतलब कि हमने कुछ लिक्विड डाला, ठीक है, और 45 डिग्री पे इसकी रीडिंग थी 9200। 45 डिग्री पे रीडिंग थी 9200, और 15 डिग्री पे सेल्सियस पे कितना रीडिंग होगा ये हमें निकालना है। ओके, अच्छा ये देखो कि ग्लास की परमिटिविटी, सॉरी क्यूबिकल एक्सपेंसिविटी हमें दे रखी है जो कि इतना दे रखा है। तो इसे मान लेते हैं अल्फा ऑफ ग्लास, एंड ये लिक्विड क्या दे रखा है तो इसे हम लोग अल्फा ऑफ लिक्विड मान लेते हैं। तो इफेक्टिव कितना क्यूबिकल एक्सपेंसिविटी होगा ये अगर निकालना चाहे तो, इफेक्टिव क्यूबिकल एक्सपेंसिविटी कितना होगा, ये कितना होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ओके, तो अल्फा ऑफ लिक्विड माइनस अल्फा ऑफ ग्लास, मान लीजिए इफेक्टिव क्यूबिकल एक्सपेंसिविटी को हम लोग वाई से, कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, तो इतना के बराबर होगा। 52 माइनस 2.4 कितना आ जाएगा, 49.6। ओके, 49.6 आवर इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। ओके, अब देखो कि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है रीडिंग क्या होगी 15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही होगी। तो देखिए हम लोग रीडिंग का अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज से रिलेशन लिखें किसी भी चीज़ का, क्यूबिकल एक्सपेंशन का अगर लिखना चाहते हैं तो वो कितना आएगा, वो होता है आपका ये मान लीजिए ये रीडिंग होगी तो इक्वल्स टू ये फाइनल रीडिंग इक्वल्स टू इनिशियल रीडिंग ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। यहाँ अल्फा हमारा इफेक्टिव हो जाएगा तो इसे वाई डाल देते हैं। ओके, तो देखो कि फाइनली जो रीडिंग आ रही होगी, इनिशियली कितनी थी हमारी रीडिंग, 9200 1 + इफेक्टिव हमारे पास कितना है, 49.6 अपॉन 10⁻⁵ और डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज कितना का है, इससे टेम्परेचर का चेंज कितना आ रहा है, 30 डिग्री। ओके, तो इसे अब सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हमें वी फाइनल मिल जाएगा, मतलब कि रीडिंग जो होगी, आर रीडिंग भी कर सकते हैं इसे फाइनल, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो ये कितना आता है, तो ये आ जाता है 9186.34। ओके, इतना के अबाउट रीडिंग आ जाएगी। तो आपने टेम्परेचर घटाया है तो रीडिंग भी आपकी घटती हुई दिखाई देगी। ओके, देयरफॉर द रीडिंग फाइनल विल बी दिस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।